जय हिंद बच्चों। आज का पर्पस यूट्यूब पे वीडियो बनाने का क्लियर कट है फॉर द पेरेंट्स जनरली, कि जो मेरी दिल से ख्वाहिश थी कि खुद का क्लास होना, 100-150 बच्चे सामने बैठना, खुद का क्लास होके 150 बच्चों को सिखाना या 200 बच्चों को सिखाने का हर किसी का एक ड्रीम होता है। अब बस नौकरी छोड़ के जो आप कुछ करना कर रहा हो, जिसका मेरे पास पूरा एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स कि उसी की मैंने क्लास डाली है आउटे मास्टर मैथमेटिक्स, इसलिए डाले कि थोड़ा बहुत या थोड़ी बहुत जानकारी मेरे को है, वही जानकारी जो मेरे पास है पिछले 6-7-8 साल का एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग टीचिंग, वही एक्सपीरियंस अब मैं खुद के ट्यूशन के माध्यम से बच्चों तक देने की कोशिश करने का माध्यम वो एक है ट्यूशन ऑफलाइन, फेस टू फेस बच्चे आ जाएंगे, बात करेंगे। और जो कहावत है कि ग्रामीण भाग या तालुका प्लेस पे कोई सिखाता नहीं, तो मैं तुम्हें हाथ जोड़ के विनती कहता हूँ कि आप बस एज अ पेरेंट्स बोल के आप बस आपको एक काम कीजिए, एक महीने के लिए मेरे पास भेज दीजिए। एजुकेशन सिस्टम में ICSE टॉप पे, CBSE उसके बाद आता है, फिर उसके पास अपना स्टेट बोर्ड होता है, ऐसी दुनिया मानती है, हर किसी की सोच है। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई विल टेल यू दैट आई हैव टॉट टू ICSE छत्रपति संभाजीनगर, CBSE स्कूल आई हैव टॉट, स्टेट बोर्ड आई हैव टॉट। तो समथिंग देयर इज इन माई माइंड दैट आई कैन टीच टू एनी वन, एंड स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पैटर्न तालुका प्लेस, हियर इट्स स्टेट बोर्ड, एवरी वन बिलोंग्स टू स्टेट बोर्ड ओनली, जस्ट सेमी एंड मराठी एंड इंग्लिश मीडियम, आई एम नॉट वेल प्रिपेयर इन मराठी मीडियम, बट सेमी एंड इंग्लिश स्टूडेंट दोज हू आर फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स, जस्ट सेंड योर चाइल्ड टू माई क्लास। व्हेन क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड, सर वेयर इज योर क्लास, हाँ माय क्लास इज एग्जैक्ट ओल्ड स्टेशन रोड कन्या हाई स्कूल, दैट वो जो अपनी पुरानी अन्नपूर्णा होटल थी, बस वहां पे ही मैंने एक छोटा सी रूम रेंट पे दी है, वहां पे स्टार्ट किया है। तो फिर सर आपको एडवर्टाइज करने की जरूरत क्या है, करनी पड़ती है, हर कोई इतना समझदार नहीं होता है, लोगों को समझना पड़ता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे को चांस दे बाबा, आप पेरेंट्स हो तो आप बच्चों को भेजो, समझाने से कोई समझता नहीं है ये भी उतना ही सच है, पर दूसरी तरफ समझाने से आदमी के अंदर थोड़ा चेंज होता है। देखो कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, जैसे कि महाभारत का एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, श्री कृष्ण जी दुर्योधन को बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं समझा, वो उसका स्वभाव था कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, किसका नहीं मानूंगा। दूसरी तरफ अर्जुन भी है, फिर कृष्ण जी ने भगवान कृष्ण ने जो भी कहा अर्जुन ने सब फॉलो किया तो उसकी जीत हो गई। तो अब मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ, जस्ट आई एम अ टीचर, तो मैं टीचर हूँ तो बच्चों के कंपेयर में मेरा नॉलेज कहीं तो भी थोड़ा तो भी बहुत ज्यादा है, जो ज्यादा नॉलेज मेरे पास है बस वही नॉलेज मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ बच्चों को, ताकि जो भी होशियार बच्चा है उसके मन में कभी जिंदगी भर ऐसा गिल्ट ना हो जाए कि मेरे को बहुत पढ़ना था यार 7th-9th में, पर मैंने बहुत सर्च किया पैटर्न में, कोई मेरे को मैथ्स का टीचर ही नहीं मिला। इस कि जिसके भी मन में डाउट है कि यार मेरी बहुत इच्छा थी, बच्चे बात करते ना आपस में, किसी स्कूल को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, पर बच्चे आपस में बात करते ना यार हमारे स्कूल में ऐसा हो रहा है वैसे हो रहा है, कोई सिखाता नहीं वैसे नहीं होता है। फिर जो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस होते हैं वहां पे टीचर्स होते हैं हर सब्जेक्ट में परफेक्ट होते हैं, वो टीचर्स अराउंड नहीं। अब मैं बात करूं, आई विल नॉट परफेक्ट इन इंग्लिश, आई विल नॉट परफेक्ट इन साइंस, बट डेफिनेटली आई एम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स, इसलिए तो मैंने खुद का क्लास डाला है। अब क्यों आना है, अब जो तुम्हारा बेसिक है, बेसिक जैसे कि 5th-6th में डाला, 5th-10th, 5th-7th-8 ये जो बेसिक है, अगर आपका बेसिक पक्का हो गया तो 11th-12th में आप अपने आप फिजिक्स के जो सम्स होते हैं 7th-8th-9th या 5th-6th-7th-8th-9th, ये जो बेसिक चीजें होती है, अगर तुम उसके बारे में सोचना सीख गए, और वो तो मेरा काम है, मेरे क्लास में बस मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, तुम तो कई भी सीख सकते हैं, यूट्यूब चैनल है, स्कूल में टीचर्स है, डाइजेस्ट है, नॉलेज गेन करने का तरीका बहुत है तुम्हारे पास अवेलेबल। पर हाँ आउटे सर की एक खासियत है, आउटे सर सिखाएंगे भी
और तुम्हें सोचने को मजबूर करेंगे। अरे यार ऐसा भी होता है क्या? हाँ देखो एज अ टीचर जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर पहले एक डर था कि हाँ यूट्यूब पे आगे बात करना नया हवा, पूरी दुनिया देखेंगे हंसेंगे, हर किसी के मन में एक डर होता है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ विद फुल कॉन्फिडेंस, मेरे को कोई डर नहीं। जैसे हम आपस में बात करते हैं दोस्त कितनी बिंदास बात करते हैं, एग्जैक्ट सेम मुझे पब्लिक के सामने लाओ या यूट्यूब पे लाओ या किधर भी क्लास के अंदर भेजो, बच्चों से बात करने में डर काहे को, क्यों है ना, परफेक्ट है ना, अंदर दबा दबा के भरा है ना, बस उसको ही बाहर निकालना है। सेम थिंग वी हैव टू रिपीट, वी हैव टू टॉक, बस बच्चे शाय होते। अब मैंने मैथ्स के साथ इंग्लिश भी डाला, अब इंग्लिश में तो मैंने अब भी कह दिया कि आई एम नॉट परफेक्ट, पर दावे के साथ कहता हूँ कि जो बेसिक थिंग्स होती है कि बच्चों ने बात करना चाहिए। अरे हर किसी के पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी बात कर रहा हो, इंग्लिश में बात करे, और मैथ्स के जो सम्स होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो भी हमारा डेली रूटीन होता है, जो भी कुछ दिक्कतें आती है, अगर बच्चे ने मन के अंदर किया कैलकुलेशन, तो अपने माँ बाप जो होते ना बड़े खुश होते हो, और यार इंग्लिश में बात भी कर सकता है। और जो छोटी बहुत मुसीबत होती है, जैसे हम किराना दुकान में गए, इतने ने फलाना, और बच्चे ने तुरंत कह दिया हाँ इतने पैसे हो गए मामा, और फिर उस दुकानदार ने भी कहा हाँ इतने पैसे हो गए, अरे वो जो एहसास होता है ना माँ बाप को, बहुत बड़ा एहसास होता है, तुम्हें पता नहीं। इसलिए समय है, आपके पास भी समय है, मेरे पास भी समय है, और मैंने आपको क्लियर कट कह दिया, आईसीएसई सीबीएसई स्टेट बोर्ड जो इंडिया में चलते है तीनों को भी मैंने पढ़ाया है। अब खुद की कोचिंग सेंटर है पैटर्न में, तो उसका फायदा उठाओ। मैं किसी के घर पे नहीं आ सकता हूँ, कोई मेरे घर पे नहीं आ सकता है, पर एक तो फिर दूसरा रास्ता मैंने क्या निकाला, चलो मार्केट में कहीं तो भी एक जगह लेते हैं कि वहां पे मैं भी जा सकता हूँ, आप भी आ सकते हो। दूसरा फायदा, अगर कोई सोचता है कि मेरे स्कूल में मैं बहुत होशियार हूँ, मेरे स्कूल में मैं बहुत होशियार हूँ, तो तुम्हें मैं और एक चांस दूंगा। मेरे क्लास के अंदर जितने भी स्कूल बैठेंगे, हर स्कूल में 2-4 बच्चे तो मेरे को जानते पहचानते ऑडियो मास्टर, क्योंकि मैंने सिखाया है। जिस स्कूल में 2-3 स्कूल में मैंने सिखाया, बाकी के स्कूल में फ्री में जाके भी सिखाया, तो बच्चों को पता है आदमी बहुत कलाकार आदमी है, सिखाता भी है, और किधर की बात किधर की देखे जाता है, फिर से वो मुद्दे पे आता है, मुद्दा। हाँ मेरा फेमस वर्ड है मुद्दा, बच्चों मुद्दा क्या होता है, सिखाते समय तुम इधर उधर भटक जाओ, बच्चे भटक जाते हैं, पर एज ए टीचर नॉट शुड भटक, वही क्लास में आना, वहां से बच्चों को खींच कर आना है। टाइम कितना होता है, 45 मिनट, मेरे लिए 2 घंटा दो, वो भी कम है, बच्चे 45 मिनट्स में बोर्ड होते हैं, तो मेरा दावा है मेरे को 2 घंटे बच्चों को मैं बिठा के रख सकता हूँ, विथ फुल कॉन्फिडेंस विथ फुल एनर्जी। बच्चे सीखते हैं, उनको सिखाना पड़ता है प्यार से, बच्चे बोर्ड नहीं होते। अगर तुम उनपे जबरदस्ती करोगे आपको सीखना है, तो बच्चे 5 मिनट भी शांत बैठ सकते हैं। बच्चे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और मास्टर बहुत ही कलाकार मास्टर है, बोर्ड नहीं सिखाना, तो इंटरेस्ट आता है, बोलने की जरूरत नहीं होती बच्चों को। हाउ यू टीच, तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंट है व्हेन यू एंटर इन द क्लास। बच्चे बड़े उम्मीद के साथ आते हैं कि हमें बैठने क्लास के अंदर, हमें सीखना है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता है क्लास के अंदर कि उसको वो खुद डिसाइड करता है कि मेरे को सीखने का नहीं, उसे सीखना है, इसलिए तो कोचिंग स्कूल जा रहा है। कंडीशन उस टीचर पे होता है, फिर वो हाउ वी कैप्चर, तुमने घर पे कितना होमवर्क किया। जैसे हम बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि बच्चों ने होमवर्क करना चाहिए, फिर बच्चे भी सोचते हैं ना, उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है ना, कि टीचर ने भी वैसे सिखाना चाहिए चांद तारे के जैसे आसमान में होता है। तो बस अगेन फॉर द पेरेंट्स इट्स अ रिक्वेस्ट, एक बार भरोसा करके देखो 1 महीने के लिए, और वो फी भी कुछ ज्यादा नहीं, ठीक ही बात। आप वहां पे आइए, हम फेस टू फेस बात करेंगे, पर इतना तो जरूर मैं आपको कॉन्फिडेंस दूंगा कि 1 ही महीने के अंदर बच्चा होमवर्क करेगा, वो भी खुद सुबह जल्दी उठेगा। क्यों उठेगा? क्योंकि उसे अब कुछ तो भी चीजें समझ में आने लगी। जब आदमी को कुछ समझ में आता है, वो जो खुशी होती है ना, वो मार्केट से नहीं मिलती। अगर वैसी खुशी होती या कॉन्फिडेंट होता, कोई टैबलेट होती, जो बड़े लोग है वही काम करते, बच्चों को स्कूल नहीं बैठते, टैबलेट है बेटा, कॉन्फिडेंट आ जाएगा तेरे अंदर, कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। पढ़ाई के अलावा दुनिया में ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जो तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक ले जा सकता है। यहां से लेके यहां तक जाने के लिए तुम्हारी खुद की मेहनत, तुम्हारी सोच एंड योर स्टैंडिंग, बट बच्चों को बैठना चाहिए। आपको एक जगह पे कितना समय देती हो वही डिसाइड करने वाले, तुम यहां से यहां तक कितने एट विच पोजिशन यू वॉन्ट टू रीच, यहां से इट डिसाइडेड नाउ। तुम कितना समय बिताते हो किसके साथ, फ्रेंड के साथ नहीं रहे, किताब के साथ, अकेले अकेले रूम में बैठ के
कितना समय बिताते हो किताब के साथ, जितना सोचोगे, जितना होमवर्क करोगे, जितना होमवर्क करेंगे उतनी शार्प तुम्हारी ब्रेन बनेगी। ओके, जय हिंद। और एक बात आखिरी में कहना चाहता हूं कि देखो, अब आधे स्कूल की बच्चों की टाइमिंग क्या है, 10 स्टैंडर्ड क्या स्कूल की टाइमिंग, हर स्कूल की टाइमिंग क्या है, सुबह 8 बजे से के 2 बजे तक, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। आपकी इच्छा होने के बाद भी आप उसके बीच में नहीं आ सकते, स्कूल ड्रॉप करके ट्यूशन करना वो भी सही बात नहीं। फिर आप आधे से ज्यादा बच्चों ने ट्यूशन लगाए, बस थोड़े बच्चे बाकी है उन्होंने ट्यूशन लगाए, वो तो आने वाले, पर अब बच्चे अटक गए 10 स्टैंडर्ड के, ट्यूशन तो लगा नहीं तो कैसे गए सर। तो ठीक है, एक रास्ता निकाला, अगर तुम 6:30 to 7:30 आते हैं 10 स्टैंडर्ड के बच्चे, उसमें तुमको और एक प्लस पॉइंट बताता हूँ। फिर 5-6 स्कूल अनुमत गए, इस 5-6 स्कूल में से जो बच्चा सही में आउट ऑफ मार्क्स लाना चाहता है, अरे तुम्हें दावे के साथ कहता हूँ, जो प्रॉब्लम सेट से तुम्हें डर रहता डर, तुम एक बार आके देखो, एक चैप्टर कंप्लीट करो, एक महीना आके बैठो और आखिरी में बोलो सर हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें नहीं आना चाहिए, मेरे को फी भी मत दो, कुछ भी दो, आओ भी मत, मैं इतनी तुम्हें छूट दे रहा हूं। पर जितने भी टॉप के बच्चे हो ना, एक बार आके देखो, आत्मा के देखो, जब हम हमसे बेहतरीन लोगों के साथ होते तो हम कितने पीछे उसका एहसास होता है, हम किनके साथ है। अगर तुम जिनके साथ हो और पढ़ाई में तुम आगे हो, बाकी सब वो तो लो होते कुछ बच्चे, उनके साथ हो तो तुम महसूस करोगे और यार मैं सबसे होशियार हूं, मैं सबसे होशियार हूं, पर नहीं, लक बाय चांस अगर 6:30 को एक बैच बन गई, बस 10 स्टैंडर्ड की 6:30 to 7:30, उससे पहले भी छोड़ने की कोशिश करूंगा, आधे घंटे में तुम पर्यटन के किसी भी स्कूल में जा सकते हो। तो और सबसे बड़ी माउथ पब्लिसिटी होती है बच्चों, अगर तुमने ठान किया ना, यूट्यूब पे मेरे कितने सब्सक्राइबर है 300 है, अगर तुमने ठान लिया ना तो एक महीने के अंदर जिन लोगों ने बस टच किया, हल्का सा टच किया होगा, महसूस किया होगा, अरे कितने भी आते ट्यूशन जाते डालते 2-4 महीने के बाद बंद होते ट्यूशन, इसको मैं नाम हटाने दूंगा, मैं खुद पर्यटन का हो, पर्यटन आपके गाँव का हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा, बस आपका थोड़ा सा सहयोग। देखो एक बच्चे ने 2 बच्चों को कहा, 2 बच्चे ने फिर से 2 बच्चों को कहा, और नहीं आदमी बहुत भारी, बस इतना सही काम आपका, वो काम किया, देन मैथमेटिक्स की ऐसी की वैसी कर दूंगा मैं। जय हिंद।